वेलकम, बहुत बहुत स्वागत है आपका सरकारी सिलेबस यूट्यूब चैनल पर। और आज हम बात करें कि ट्वेल्थ के बाद डिप्लोमा या बीटेक, मतलब विच इज बेटर। देखिए, इसमें जो है तकरार बहुत अरसों पुरानी है कि भैया बीटेक करें या डिप्लोमा करें, बहुत पुरानी तकरार है। इन दोनों में जो है ना महाभारत होती रहती है, तो हम थोड़ा बहुत डिस्कस करेंगे, महाभारत में चर्चा करेंगे, ताकि आपको समझ में आए कि आपको कौरवों की तरफ जाना है या पांडवों की तरफ जाना है, विच इज बेटर आपके लिए। ठीक है, तो देखेंगे। देखिए, ट्वेल्थ के बाद ही दोनों चीज़ें होती हैं। आप डिप्लोमा में जाते हो, ठीक है, जूनियर इंजीनियर वगैरह बनने के लिए, आप सीधा बीटेक वगैरह करते हो डायरेक्ट इंजीनियर बनने के लिए। ठीक है, तो देखिए दो हमने इसकी क्राइटेरिया तय किए हैं कि आप देखिए आपके लिए कौन सा सुटेबल है, मैं आपको बताता हूँ। देखिए, सबसे जो नंबर वन का जो हमने इसमें क्राइटेरिया तय किया है, डिप्लोमा करना है या बीटेक करना है, तो देखिए बौद्धिक स्तर, मतलब कि आपकी इंटेलिजेंस कितनी है। मान लीजिए आप जो है ना रट रट के आपने ट्वेल्थ पास किया है, ठीक है, मास्टर साहब ने बोला, आपने रटा, यूपी बोर्ड में वही आया, छाप दिया, या एमपी बोर्ड किसी बोर्ड में है, आपने छाप दिया, आपको अच्छे नंबर आ गए। ठीक है, हम नंबर भी बहुत मिल जाते हैं छापने से, एकदम बहुत सारे नंबर। ठीक है, तो नंबर भले ही आपके अच्छे हो सकते हैं, बट आपने ऐसा करके किया है तो जो है आप अपना इंटेलिजेंस तो खुद ही जानते हैं। अगर थोड़ा बहुत डाइट हो तो आप जो है जेई एडवांस का पेपर उठा के देख लीजिए, आप अगर उसका 10% भी कर ले रहे हो, ठीक है, आपने ट्वेल्थ में जो पढ़ा है उसके हिसाब से आप 10%, या कहूँ मैं 7-8% भी अगर आप कर ले रहे हो, 7-8% जो है ना आपको समझ में आ रहा है जेई एडवांस का पेपर, तो भाई आप जो है ना बीटेक के लायक हो, आप उसकी तैयारी कीजिए। ठीक है, अगर आपका बौद्धिक स्तर उतना अच्छा नहीं है, देखिए हर किसी को अपना स्तर पता, ना पता हो तो आप जो है ना पिछले साल का या और पिछले साल का एक दो पेपर उठा के जेई मेन और एडवांस का आप थोड़ा सा ट्राई कर लीजिए, आपको आइडिया लग जाएगा। और जब आप एक बार जान गए कि हाँ भाई हम इस लेवल के हैं, हम थोड़ा बहुत अगर आप 8-10% तक आज अप्रोच कर ले रहे हो, आप जो है ना जेई मेंस और जेई एडवांस के पेपर में इतना कर ले रहे हो, तो आप फर्दर जो है ना कोचिंग वगैरह ले सकते हो। ठीक है, तो आप बीटेक वगैरह की तरफ जा सकते हो। अब अगर बौद्धिक स्तर नहीं उतना ज़्यादा अच्छा है, तो देखिए अगर आपका अच्छा नहीं है, आपने कर भी लिया किसी तरह से एकदम रगड़ के, जो भी करके आपने कर लिया, दिन रात एक कर दी, लेकिन भैया उसके बाद करने के बाद एग्जाम क्रैक करने के बाद आपको 4 साल वहाँ भी लगाने हैं, वहाँ तो सब पूरा जो है ना इंडिया का भरा होगा दिमाग वहीं पर, तो मतलब आपकी तो लग जाने वाली, आप प्रेशर कुकर बन जाओगे। समझ में आ रही बात? तो प्रेशर कुकर नहीं बनना, पढ़ाई का काम है इजी, टेक इट इजी। तो बात ये हो गई कि अगर आप इंटेलिजेंसी है आपके अंदर, उतनी कैपेसिटेंसी है आपके अंदर, तो आप पता करने के लिए आप एक दो पेपर उठा के आपको समझ में आ जाएगा, या आप गूगल वगैरह या यूट्यूब वगैरह देख लो किस तरह का एग्ज़ाम रहता है, तो आपको पता चल जाएगा। ठीक है, इंटेलिजेंसी अच्छी है तो आप ज़रूर बीटेक की तरफ जाओ। अगर उतना नहीं है लेकिन फिर भी आपको टेक्निकल में जाना है, तो आपके लिए यही है। हर चीज़ के लिए देखिए, हर व्यक्ति अलग अलग कामों के लिए बना होता है, सबकी जो है ना इंटेलिजेंस या फिजिकल कैपेबिलिटी अलग अलग है। अब एक जिसके हाथ पैर सही से काम नहीं करते, आप सोचो कि दीवार पर चढ़ा दो, ठीक है, तो दीवार पर चढ़ने के लिए दूसरे आदमी हैं, ठीक है, फौज है, पुलिस है, सब कुछ है चढ़ने के लिए। अब जो नहीं दीवार पर चढ़ पा रहा, क्या उसके पास दिमाग नहीं, तो दिमाग से अपना काम कर सकता है। तो हर व्यक्ति की अपनी अपनी कैपेबिलिटी है, और कोई और छोटा बड़ा नहीं, हर जगह अपना काम फिट होता है। ठीक, एक जगह चपरासी का काम भी इम्पोर्टेंट है, एक जगह आईएएस का काम भी इम्पोर्टेंट है। आईएएस की जगह चपरासी नहीं बैठ सकता, और चपरासी की जगह आईएएस नहीं बैठ सकता, दोनों के अलग अलग काम है और इक्वली इम्पोर्टेंट है। ठीक है, एक दिन ऑफिस में चपरासी ना आए तो ऑफिस में मतलब अफरा तफरी हो जाती है। ठीक है, तो कोई छोटा एकदम बड़ा नहीं है, अपनी जो समझ है, जो अपनी इंटेलिजेंस है, अपना जो स्तर है, उस स्तर से आप देखिए कि आपके लिए कौन सा बेटर है। तो आपने इंटेलिजेंस के आधार पर डिसाइड कर सकते हैं कि बीटेक करें या डिप्लोमा। इसके बाद एक और दूसरी कंडीशन मैं आपको बताना चाहूँगा जो आपके लिए इम्पोर्टेंट होगी तय करने के लिए कि क्या करें और क्या ना करें। अब देखिए, जो दूसरी हमारी कंडीशन है वो है इकोनॉमिक कंडीशन। आपके घर परिवार की जो है इकोनॉमिक स्थिति कैसी, इकोनॉमिक का मतलब है कि कितना क्या पैसा रुपया है। अगर आपके पास बहुत सारा पैसा भरा पड़ा है, ठीक है, आपको सिर्फ डिग्री ही चाहिए, मतलब कि आपके पिताजी के पास बहुत पैसा है, बस ये कहना है कि भाई मेरा बेटा बीटेक वगैरह किया हुआ है, तो इतना प्राइवेट कॉलेज खिला आप जाके कर लीजिए, बिल्कुल करिए, तब डिप्लोमा विप्लोमा मत करिए, बीटेक होगा इज्जत होगी। ठीक है, सीधा सा मतलब है, तो इंटेलिजेंसी वगैरह ज़्यादा मायने नहीं रखती, प्राइवेट कॉलेज में आपको बीटेक की डिग्री मिल जाएगी, आप नाम के आगे बीटेक फला फला आप लिख सकते हो। ठीक है, और इकोनॉमिक कंडीशन आपकी उतनी ज़्यादा अच्छी नहीं है, आप एक एवरेज स्टूडेंट हैं, तो भी आप जो है ना डिप्लोमा वगैरह ज्वाइन कर सकते हैं। बट अगर आपका इंटेलिजेंस बहुत अच्छा है, ठीक है, आप जो है ना टॉपर ऑपर रहे हो, आप चीज़ों को कॉन्सेप्ट बेसिस से समझाए, आपने रटा नहीं है, चीज़ों को जानते हो, तो आप जो है भले ही पैसा ना हो,
नहीं है पैसा, कोई बात नहीं, आप जो है ना बीटेक के लिए बने हो, आप आईटी वगैरह की तैयारी वगैरह कर सकते हो, ठीक है, तो बिल्कुल जाइए, ठीक है, क्योंकि आजकल इतने सारे आपको फैसिलिटी, एक बार सिलेक्शन होने के बाद आपको आईटी मिल जाए, आपको एनआईटी मिल जाए या कोई स्टेट का गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाए, इतना फंडिंग मिल जाती है आपको गवर्नमेंट की तरफ से ही, या आप लोन वगैरह भी, एजुकेशन वगैरह ले सकते हैं, बहुत ज़्यादा महंगा वो भी नहीं होता है, तो आप जो है ना कंटिन्यू करिए, ठीक है, अगर आपके पास में इंटेलिजेंस है तो ये दो ही जो है ना कसौटी है डिसाइड करने की, आइदर डिप्लोमा और बीटेक, एक तो इंटेलिजेंस हो गया, दूसरा इकोनॉमिक कंडीशन, जो कि कम मायने रखती है, इंटेलिजेंस ही मायने रखती है, कितना बौद्धिक स्तर है उस हिसाब से अपना चुनाव कीजिए, और आप फ्यूचर में करने क्या वाले हैं थोड़ा सा उसका भी हिसाब देखिए। दोनों ही चीज़ों में आप टेक्निकल क्षेत्र में जा रहे हो, चाहे डिप्लोमा करो या बीटेक करो, दोनों में ही टेक्निकल में जा रहे हो, तो ऐसा तो है नहीं कि रुझान तो आपका टेक्निकल की तभी आप जेई में या फिर आप जो है ना बीटेक वगैरह के लिए सोच रहे हो, ठीक है, तो इसमें और कोई कन्फ्यूजन नहीं है, आपका जो है ना रुझान, जितने भी बच्चे आए हैं डिप्लोमा या बीटेक जाना तो टेक्निकल में ही जाते हैं, लेकिन टेक्निकल में भी चुनाव आ गया है ना डिप्लोमा और बीटेक के लिए, तो यहाँ दो कसौटियाँ हो गई, एक तो बौद्धिक स्तर और दूसरा इकोनॉमिक, तो आप सोच लीजिए, विचार कर लीजिए, फिर आप डिसाइड कर लीजिए। अब देखिए, अगर आप डिप्लोमा करते हो, ठीक है, तो कौन कौन से डिपार्टमेंट वगैरह रहते हैं, क्या क्या जॉब रहती है, मैं थोड़ा सा आपको गाइड कर देता हूँ डिप्लोमा या बीटेक के बाद। डिप्लोमा आप करते हो तो आप गवर्नमेंट सेक्टर में जाने के लिए, जैसे कि रेलवे हो गया, ठीक है, इसमें जूनियर इंजीनियर की भर्ती आती है, UPPCL हो गया, जूनियर इंजीनियर की भर्ती आती है, पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड जहाँ भी है सब में डिप्लोमा वालों की भर्ती आती है, और CPWD हो गया, PWD हो गया, डिप्लोमा वाले की भर्ती आती है। इसके अलावा जो PCUs की जॉब, मतलब पब्लिक अंडर सेक्टर कंपनी, HAL हो गया, भेल हो गई, ठीक है, IOCL हो गई, या प्राइवेट कंपनी से रिलायंस टाटा वगैरह, इनमें भी जूनियर इंजीनियर की भर्ती आती रहती है, तो नौकरियां आपके लिए भी बहुत हैं, ठीक, सरकारी एज वेल एज प्राइवेट। अब अगर आपने बीटेक कर रखा है तो भाई आप इंजीनियर भी बन सकते हो, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में डायरेक्ट वैकेंसियाँ वगैरह आती हैं, ठीक है, आप UPSC क्रैक कर सकते हो, सिविल सर्विसेज ज्वाइन कर सकते हो, टीचिंग भी कर सकते हो, आप बैंक PO, CDS, FCAT या ग्रेजुएशन स्तर के SI दरोगा सब एग्ज़ाम आप दे सकते हो, क्योंकि आपने बीटेक करके एक डिग्री हासिल कर ली है। वहीं डिप्लोमा वालों के पास कोई डिग्री नहीं है, वो अभी भी अगर 3 साल की डिग्री मांगी जाए तो आप डिप्लोमा वाले नहीं जा सकते हैं। भले ही आपने जो है ना 10th+2 के बाद हमने डिप्लोमा 3 साल किया, लेकिन वो डिग्री नहीं है, ठीक है, तो आपको 10+2 ही काउंट करेंगे, 10+2 प्लस डिप्लोमा नॉट इक्वल टू डिग्री, ठीक है, तो आपको अलग से डिग्री, अगर आप दरोगा बनना चाहते हो, आपने डिप्लोमा किया है तो आपको अलग से फिर से डिग्री करनी पड़ेगी, ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि आप चुनाव कर लेंगे कि बीटेक करना है या डिप्लोमा करना है, ठीक है, अगर फिर भी कोई आपको डाउट आ रहा है चुनाव करने में तो आप ज़रूर हमें कमेंट करिए, हमें आपसे जुड़कर बेहद खुशी होगी। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही रखना चाहेंगे, हम आपसे मिलते हैं बेहद जल्द अगली वीडियो में, तब तक के लिए वंदे मातरम।